vision. तो आज चल जा रहे हैं हम लोग टेमिटी गार्डन। ये आज लास्ट डे है। कहाँ पे? पेलिंग पे। होटल पार कर गए हम लोग और निकल चले हैं टेमिटी गार्डन। और नामची में भी जाएंगे, वहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर है जहाँ पे चार धाम की मूर्तियां भी हैं। तो चलिए आज का मनोरम दृश्य देखते हैं। आज लास्ट डे है पेलिंग सिक्किम वेस्ट सिक्किम। और मैं इतना बोल सकता हूँ, बहुत ही यादगार पल था मेरे लिए, मेरे वाइफ के लिए और मेरे बच्ची के लिए। ये वाला टूर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ग्रीनरी, बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खाने पीने की चीज और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही खराब अवस्था में है, यहाँ रह के जो देखा दो तीन दिन में। लेकिन सीनिक ब्यूटी एंड नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बेशुमार है और एकदम भरमार है। तो हम लोग अब आ रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब लोअर पेलिंग जो है, अपर पेलिंग से हम लोग लोअर पेलिंग की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ का सीनिक ब्यूटी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पहाड़ पहाड़ पे बादल और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, शानदार पहाड़ है। मैं आपको साइड मिरर से दिखा रहा हूँ और आप देखते जाइए, बहुत ही अच्छा है यहाँ का दृश्य, बहुत ही मनोरम है। मैं गाड़ी चलाऊँ या दृश्य देखूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है दृश्य। आप देखते जाइए और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको पेलिंग कब जाना है। मेरे को तो हमेशा सिक्किम जाने का मन करता रहता है, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा ब्यूटी वाला जगह है कि वहाँ रिलैक्स आराम से कर सकते हैं। रास्ता भी वैसा ख़राब नहीं है, पेलिंग साइड में रास्ता भी अच्छा है, अपने खुद के कार में आप आराम से जा सकते हैं वहाँ पर। और देखिए राइट साइड में जो माउंटेन, मेरे राइट साइड में जो माउंटेन्स हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं आपको। पेड़ ही पेड़ हैं और माउंटेन ही माउंटेन है। ये वाला दृश्य देखिए, यहाँ बादल और माउंटेन, क्या बढ़िया नज़ारा है ना, क्या नज़ारा है दोस्तों, लगता है स्वर्ग में आ गया हूँ। बाएं तरफ आप अपने देख सकते हैं, सॉरी आपके कंप्यूटर के दाहिने तरफ आप देख सकते हैं क्या दृश्य है। वो बादल देखिए जो माउंटेन से घिरा हुआ है, क्या सीन है, क्या जगह है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब हम लोग आ गए हैं टेमिटी गार्डन की तरफ। ये है टेमी टी गार्डन, सिक्किम का ऑर्गेनिक टी गार्डन है। ये एकमात्र ऐसा टी गार्डन है जो कि ऑर्गेनिक है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा विस्तारित रूप से। दोस्तों ये है टेमी टी गार्डन, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और देख लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा, यहाँ से कैसा लगता है देखने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीढ़ी बना दिया गया है जिससे कि टूरिस्ट लोग हो या जो लोग काम करते हैं वो आराम से।
अब हम लोग टेमी टी गार्डन को अलविदा करते हुए जा रहे हैं नामची की तरफ, जहाँ पे आपको आई लव टेमी लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लोगो। वहाँ से हम लोग निकल के अब हम लोग जा रहे हैं नामची की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं सिद्धेश्वर मंदिर, जहाँ पे कि चार धाम है, ये इसका गेट है। यहाँ पे आपसे परमिशन मांगता है अंदर जाने के लिए, तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यदि जरूरत पड़े तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया, हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अब मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको कार का क्या बोलते हैं उसको, कूपन काट लेना पड़ेगा पार्किंग चार्ज। यहाँ से पार्किंग चार्ज लेने के बाद हम लोग अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर कार पार्क कर सके हम लोग। यहाँ कार ही कार है, कहाँ पार्क करेंगे देखना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग यहाँ कार पार्क कर लिए, अब हम लोग हाथ धो लेते हैं और यहाँ से कुछ प्रसाद वसाद ले लेते हैं मंदिर में पूजा चढ़ाने के लिए। तो चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं। ये एक भव्य मंदिर है महाकाल जी का, भगवान शिव का, और साथ ही साथ चार धाम भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है पहाड़ के ऊपर इतना बढ़िया मंदिर कैसे ये लोग बनाए होंगे और इसको कैसे मेंटेन करते होंगे। तो यहाँ से प्रवेश द्वार है मंदिर घुसने का। यहाँ से हम लोग अंदर घुसेंगे मंदिर के। बहुत ही विशालकाय शिव जी का मूर्ति है यहाँ पे, जो कि मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। देख लेना एक मूर्ति है, यहाँ मंदिर भी देखने लायक है। ये आर्य नंदी जी हैं और ऊपर शिव जी का मंदिर है। तो ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या मंदिर का अंदर क्या क्या है। यहां से देखिए वेस्ट सिक्किम का ये वाला जगह, सॉरी ये तो साउथ सिक्किम है। यहाँ चारों धाम की मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। देखिए क्या शानदार दृश्य है दोस्तों। ये है शिवलिंग जी, शिवलिंग जहाँ पे हम लोग सब गंगा जल चढ़ा रहे हैं। और ये हूँ मैं, ये अंदर मंदिर के। यहाँ पे शिव जी की जितनी भी गाथाएं हैं सबका प्रचार किया गया है इस मंदिर में।
सती प्रथा से शुरू करके शिव जी का विवाह, सब कुछ यहाँ पे आपको संक्षेप में मिल जाएगा। बहुत ही भव्य मंदिर है, एक बार आपको अपने जिंदगी में आना ही चाहिए इस मंदिर में। बहुत ही भव्य है, देखने लायक भी है, बहुत खूबसूरत है। क्या नक्काशी अंदर का आप नहीं दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। आपको मन करेगा कि यहीं पे रुक के कुछ देर बैठें और शिव जी की मूर्ति को निहारते रहें। क्या कलाकारी है यहाँ का, आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों, सिक्किम को इस बार के लिए अलविदा करते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। आशा करता हूँ आपको सभी एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगले कुछ महीने बाद मैं फिर से नॉर्थ सिक्किम का विजिट करूँगा बाइक में, तो तब तक के लिए कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए जरूर शेयर करूँगा। जो भी मैं सामान खरीदता हूँ उसका लिंक भी देता रहूँगा आपको, राइड के दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी सस्ते में, वो सब डिस्क्रिप्शन में मैं देता रहूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।